हेलो गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गौसी में। आखिरकार राहुल वेद्या को मुद्दा मिल ही गया रुबीना के साथ लड़ाई करने का। ये बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं राहुल वेद्या, जहां पर एजाज खान भी उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस लड़ाई के दौरान राहुल वेद्या ने फिर दोबारा से रुबीना को बंदरिया भी बोला, एरोगेंट्स भी बोला और सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी बोला, और तरह तरह के कुछ ऐसी बातें जो है वो राहुल वेद्या रुबीना को बोलते हुए इस लड़ाई में नजर आए। और वहां पर जो एजाज खान है वो भी राहुल वेद्या के साथ धमासान रुबीना के साथ लड़ाई करते हुए नजर आए। आखिरकार ये मुद्दा क्या है, क्यों हुई है लड़ाई, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ पूरी अपडेट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। घर के अंदर राशन आया है, वीकली राशन आता है घर के अंदर, अभी राशन आया है। इस बार राशन जो है कम आया है, अंडे तेल वगैरह कुछ कम आए हैं। अभी अली और राहुल वेद्या जो हैं वो एक्चुअली में कभी उनको खाना, राहुल वेद्या को खाना नहीं बनाना था, काफी बार आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, हमने भी आप लोगों को बताया। और जब वो खाना या कोई भी चीज बनाते हैं तब कुछ ज्यादा चीजें एक्चुअली में यूज कर लेते हैं, जिसके कारण रुबीना ने जब राशन देखा जो आया है वो, राहुल वेद्या सब लोग वहां पर खड़े थे तो इतनी बात बोली कि इस बार थोड़ा राशन जो है देख संभल के कर लेना, काफी सारी चीजें ज्यादा ज्यादा डल जाती है, नहीं तो लोगों के पेट खराब हो जाते हैं, तो इस बार हम लोगों को देख के करना पड़ेगा सब चीजें। तो वहां पर राहुल वेद्या चढ़ गए भाई रुबीना की इस बात के ऊपर, उनको आ गया गुस्सा और उन्होंने ये चीज बोली, ये एरोगेंट्स, ये बंदरिया हमें सिखाएगी कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ये एरोगेंट्स हमेशा संभाल के रखती है, सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स इसमें है। और उस दौरान ही एजाज खान भी कि हाँ भाई राशन आया है, राशन के दौरान हमें ये सिखाएगी, घर की कप्तान है क्या, हमें सिखाएगी क्या कि ये सब चीजें हमें कितनी खानी है कितनी नहीं खानी है, हमेशा खाने के ऊपर ये मुद्दा बनाती है, ये करती है वो करती है। एक्चुअली रुबीना के पीछे पड़े हुए हैं, रुबीना का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं राहुल वेद्या, लगातार उनको पोक कर रहे हैं, लगातार उनको पोक कर रहे हैं, जिसकी वजह से रुबीना जो है काफी ज्यादा इरिटेट होने के बाद बेडरूम में जाके वो रोने लग जाती है। और अभिनव शुक्ला जब उनको रोते हुए देखते हैं तब अभिनव शुक्ला उनको समझाते हैं कि भाई मत रो, ये यहां पर तो ये सब चीजें होती रहेगी, वो जानबूझ के कर रहे, तेरे को तो पता ही है, तूने अपना काम कर दिया ना बस ठीक है। उनको जानबूझ के, उनको तो मुद्दा चाहिए सब चीजें तेरे साथ लड़ने के लिए, वो वही सब चीजें ढूंढ रहा है और तू अभी उस चीज को लेके रोएगी तो इसको ज्यादा मजा आएगा। आई होप गाइस आप लोग दिल खोल के कमेंट जरूर करेंगे इसके ऊपर, जरूर बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।